हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसीज के बारे में, हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको वैकेंसियाँ दी गई हैं। स्पेशल टीचर की है, वोकेशनल ट्रेनर की है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनर की है, नर्सिंग स्टाफ की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, योगा टीचर की है, लेखाकार है, काफ़ी अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात ये आती है कि वैकेंसी है कहाँ की, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑफिशियल जो अपडेट है वो लेना जरूरी है, कि ऑफिशियल आपको पहले से पता होना जरूरी है कि अपडेट आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। तो आप सभी को बता दूँ, राजस्थान की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, यानी कि राजस्थान नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी रहेगी, स्थान रहेगा बीकानेर। ठीक है, यानी कि बीकानेर की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, नर्सिंग स्टाफ की आपको यहाँ पर जो वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। बाकी अलग भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, काफ़ी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वैकेंसीज के अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, यानी कि बिना एग्जाम के आपकी वैकेंसी होगी, यानी कि डायरेक्टली आपकी परसेंटेज बेस के आधार पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है। तो कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि कितनी कितनी पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, परियोजना समन्वय की आपको 8 पोस्ट हैं, स्पेशल टीचर की 10 पोस्ट हैं, वोकेशनल ट्रेनर की 5 हैं, ऑक्यूपेशनल ट्रेनर की 5 है, नर्सिंग स्टाफ की आपको यहाँ पर 10 पोस्ट दी गई है। ठीक है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ के 10 पोस्ट दी गई है, कैंडिडेट कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो ANM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग है तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। तो ANM और जो GNM कैंडिडेट हैं मोस्टली उनके लिए यहाँ पर मौका है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, सूचना आपको दे देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट लेनी है। बाकी मैंने वैकेंसीज के बारे में डिटेल बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, पद का नाम बता। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो सूचना आपको किस प्रकार से लेनी है, क्या क्या इसके अंदर करना होगा, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। मिडिल साक्षर आपको 35 पोस्ट दी गई हैं, ड्राइवर वगैरह की आपको 15 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। बात करते हैं संपर्क सूत्र की, कि आपको डिटेल कहाँ से लेनी है। तो आपके ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस मोबाइल नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपके व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और गहरी जानकारी आप ले सकते हैं इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से। ठीक है, बाकी मैंने इसमें जानकारी ले ली है, आप सभी को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। संस्थान कार्यालय का अगर मैं नाम बताऊँ तो मकान संख्या 7-8 महादेव नगर, मुफद प्रसाद नगर, बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्यालय का समय है 10 से 6 बजे तक का। तो व्यक्तिगत बायोडाटा या ईमेल, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, या तो अपनी जो एक रिज्यूम बनाइए, रिज्यूम बना के वहाँ पर आपकी योग्यता लिख दीजिए, जैसे GNM कर रखे हो तो उसके GNM की मार्कशीट वगैरह अटैच करके एक रिज्यूम तैयार करके और क्या करते हैं, ईमेल कर दे। ये आपको ईमेल दी गई है, इस ईमेल के ऊपर अपना ईमेल कर दे, या फिर व्यक्तिगत तरीके से, यानी कि आप स्वयं जाकर अपने बायोडाटा है उसको आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए देनी थी, इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस की। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो ये जो संपर्क सूत्र आपको दिए गए हैं, इन संपर्क सूत्र पर क्या कर ले, आप कॉल कर ले, यानी कि व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर ले या फिर मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर ले, और कॉल करके आपको डिटेल अच्छे से ले लेनी है। तो अपडेट आपके लिए पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, बाकी जैसे ही न्यू अपडेट आते रहेंगे आपको टाइम से लाते रहेंगे। अगर कोई कैंडिडेट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।